बिहार के विकास की एक नई कहानी को लिखता अपना एक कटिहार पूर्णिया फोर लेन रोड। कटिहार से पूर्णिया की दूरी जो एक घंटे का था वो सिमट के अब 20 से 30 मिनट का हो गया है। और जहाँ हम खड़े हैं ये कटिहार का छोर है, पीछे देख लीजिए कटिहार इधर और पूर्णिया सीधा सामने। लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से पूर्णिया की, और लगभग 20 से 25 मिनट में गाड़ियाँ आपको पूर्णिया से कटिहार और कटिहार से पूर्णिया लेकर के चली आती है। और पहले यह दूरी लगभग 1 से 1.5 घंटे का था। पिछले इलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रोड का शिलान्यास किया था। इसमें 49 किलोमीटर का यह कॉरिडोर लगभग 2200 करोड़ की लागत से नरेंद्रपुर से लेकर के साहिबगंज के बीच एक नए रोड की परिकल्पना की गई थी, जिसमें गंगा नदी पर एक ब्रिज भी है जो सीधा मनिहारी घाट से साहिबगंज को जोड़ता है। जब एम विश्वेश्वरैया साहिबगंज में आए थे तो उन्होंने कहा था मनिहारी और साहिबगंज के बीच गंगा नदी पर एक ब्रिज बन जाए तो इस क्षेत्र का काफ़ी अमूलचूल विकास होगा। और ये जो सपना है अब जाके साकार होने वाला है जब गंगा नदी पर एक ब्रिज बनकर के तैयार हो रहा है। लगभग 6 किलोमीटर लंबा गंगा पर ब्रिज है, उसके बाद ये कटिहार से पूर्णिया को जोड़ता हुआ यह रोड। लगभग टोटल 49 किलोमीटर का यह कॉरिडोर है, जिसमें पूर्णिया से लेकर के कटिहार तक का यह स्ट्रेच बनकर के तैयार है, जिस पर गाड़ियाँ दौड़ रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के चलेंगे यहाँ से पूर्णिया तक के कॉरिडोर को, दिखाएंगे कितना शानदार यह रोड बना है और कितना स्मूथ जर्नी का एहसास यह करवाता है। शानदार रोड जिसमें दोनों ही तरफ दो दो लेन का सड़क, बीच में डिवाइडर और बीच में लाइट बैरियर्स, जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी से रोड को बनाया जाता है उन सारे टेक्नोलॉजीज को इस पर यूज किया गया है। सामने इस पर स्पीड मीटर भी लगा, जहां आप तेज गति से गाड़ी चलाएंगे तो आपका चलान भी हो सकता है, साथ ही आपके गाड़ी का स्पीड भी वो बताएगा। इसके अलावा पूरे रोड में यहां से वहां सिक्योरिटी मार्किंग दिखाई देता है। इसी तरह का यह कॉरिडोर यहां से लेकर के पूर्णिया तक दिखता है। अभी हम पूर्णिया से चलते हुए यहां तक आए हैं और अभी फिर से एक बार आपको इस वीडियो में हम लेकर के चलेंगे, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। कटिहार से पूर्णिया जाने में अब आधा घंटा समय लगता है। 20 साल पहले की बात कहता हूँ कि कटिहार पूर्णिया जाना आपको दुश्वार हो जाता है। इस रोड में कहाँ गड्ढा है, कहाँ रोड है, पता नहीं चलता था। सबसे पहले तो ये रोड देख रहे हैं, चमचमाती हुई रोड। ऐसा रोड हम लोग तो जाते थे बाहर घूमने के लिए बनारस और हावड़ा, तब नज़र आता था कि ऐसा भी रोड होता है। अब तो हम लोग अपने दरवाजे पर देख रहे हैं कि ऐसा रोड हो रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। चौक चौराहा भी चमक गया, अब तो हम लोग भुला जाते हैं कि कौन सा जगह आए। चलते हुए लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर हम आ गए, एक और फ्लाईओवर है ये। इस फ्लाईओवर के ठीक नीचे 2 लेन का सर्विस रोड है और यहाँ भी देखिए 4 लेन का ये रोड, 2 लेन इस तरफ में, 2 लेन उस तरफ में, बीच में डिवाइडर और शानदार देखिए लाइट बैरियर्स यहाँ से वहाँ। ऊपर देखिए यहाँ जहाँ जहाँ फ्लाईओवर बना हुआ वहाँ स्ट्रीट लाइट इस तरह का लगा हुआ, जहाँ LED लाइट्स लगे हुए, रात में जगमग रोशनी भी यह करता होगा। पूरे इस रोड में हम चलते हुए आए, हर जगह आपको सिक्योरिटी मार्किंग, यहाँ देखिए व्हाइट कलर की मार्किंग यहाँ दिख रहा, इसके बगल में ये वाली मार्किंग है, यानी ये सीधी पट्टी है जिसके इस तरफ आपको नहीं आना। बीच में पट्टी में देखते हैं कट बना है, यानी इसको आप इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। और बीच में देखिए साइड बैरियर लगा है और साइड बैरियर के बीचों बीच ये लाइट बैरियर्स लगाए गए, उस पर भी येलो यानी ऑरेंज कलर का जो है वो रिफ्लेक्टर लगा हुआ, जो रात में कम रोशनी में भी वह रिफ्लेक्ट करता होगा ताकि आपको डिवाइडर पता चले। कुल मिला के कहें तो आज के मॉडर्न सड़क में जितनी चीज़ें होता है उन सब चीज़ों को यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है। आपके लिए स्पीड मीटर भी लगा हुआ है, अगर आपकी गाड़ी तेज चलती है तो वो भी बताएगा और आपका चालान भी कटेगा। साथ ही पूरे रोड में यहाँ से वहाँ हर जगह आपको होर्डिंग्स और बोर्ड दिखेंगे जिसमें आपको किलोमीटर का माइलस्टोन लगा हुआ है। लाइट बैरियर हमने बता ही दिया, व्हाइट मार्किंग बता दिया, इस तरफ में देख लीजिए साइड बैरियर है, ये हर फ्लाईओवर पर इस तरह का साइड बैरियर है जिस पर व्हाइट एंड ब्लैक कलर का पट्टी इस पर लगा हुआ है। कुल मिला के कहें तो अभी शानदार रोड पर आप भी सफ़र का आनंद ले सकते हैं और कटिहार से पूर्णिया मात्र 20 से 25 मिनट में जा आ सकते हैं। बाकी इसी तरह के और वीडियोस को YouTube पर देखते रहने के लिए वेफूरी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं हमारे पेज को लाइक कीजिए। Instagram और Twitter पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है, आप चाहे तो वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।